देश की कीमत पर राजनीति करना और दूसरा विरोध के लिए किस प्रकार के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं कि अब महिलाओं को आगे करके जिन्हें मालूम ही नहीं कि सीएए क्या है वे लोग धरने पर बैठे हैं। आप पूछिए उनसे जाकर किसी से भी कि आखिर क्यों धरने पर बैठे हैं, तो कहते हैं घर के मर्द ने कहा कि भाई हम इतने अक्षम हो चुके हैं कि कुछ कर सके, इसलिए तुम ही जाकर के धरने में बैठ जाओ। पाकिस्तान में जो हमारे अल्पसंख्यक हैं, यानी हिंदू हैं, सिख हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं, पारसी हैं, ईसाई हैं, यानी उनके ऊपर कोई जुल्म ढाया जाता है, उनका कोई धार्मिक उत्पीड़न होता है, तो उनके प्रति भारत की सरकार को संवेदनशील रहना होगा। यह महात्मा गांधी ने कहा था और यह कहा था कि उन्हें नागरिकता दी जानी चाहिए। बहनों भाइयों, जो महात्मा गांधी ने कहा था हमने उसको कर दिखाया। क्या हमने अपराध किया? मैं इसका जवाब आप लोगों से चाहता हूं। क्या हम लोगों ने अपराध किया? सुप्रीम कोर्ट आज 4 वीक्स के लिए है और गवर्नमेंट को बोल रहा है, गवर्नमेंट आज तक रिप्लाई नहीं दिया और एप्लीकेशन भी 144 हो गया है। सो तो वो भी बोल रहा है इसके बाद कोई एप्लीकेशन नहीं लेगा। ठीक है, आज द मैटर इज सो सीरियस द 144 सारा इंडिया में, तो इसका इंडिकेशन क्या हो रहा है? दैट मीन मैटर इज वेरी वेरी सीरियस। मैंने सुना कि डंके की चोट पे कहा गया, ये राजनीति करने वालों की भाषा नहीं हो सकती। इसी प्रदेश में यह भी कहा गया कि ठोक दिया जाएगा, ये राजनीति करने वालों की भाषा नहीं हो सकती। इसी प्रदेश में मर्यादा पुरुषोत्तम राम और मर्यादा जो है उसको लांघते हुए ये भी कहा गया कि जवान खींच ली जाएगी, ये राजनेताओं की भाषा नहीं हो सकती।